दोस्तों जब भी हम कोई DSLR कैमरा खरीदते हैं तो वो कम से कम 25,000 से लेकर और कई लाख रुपए तक की उनकी रेंज आती है, लेकिन वो कैमरे के साथ में जो बैग आते हैं उनको कैरी करने के लिए, वो इस तरह के एकदम घटिया बैग होते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता और एकदम बेकार होते हैं, अच्छे भी नहीं लगते और इसमें कैमरा भी अपना सेफ नहीं होता। इसके लिए हमें फिर खरीदना पड़ता है नया कैमरा बैग जिसमें अच्छे से अपना ट्राईपॉड, कैमरा, हार्ड डिस्क, एक्स्ट्रा ड्राइव्स वगैरह हम कैरी कर सकें, और वो भी 3,000 रुपये से स्टार्ट हो गए 10-12,000 रुपये तक जाते हैं कैमरा बैग सस्ते में, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों एक ऐसा बैग की कंपनी है जिसने बैग लॉन्च किया बहुत ही कम रेट में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बैग है, वो बैग मेरे पास ये है फर जार्डन का। इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कितने का लिया, क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन है, कैसी इसकी क्वालिटी है, कैमरा बैग, लैपटॉप रखने की पॉकेट है, वो सारी मैं इसके बारे में बताऊंगा, कितने का मिला, कहाँ से लिया और आप कहाँ से खरीद सकते हैं, ये सारी मैं आपको जानकारी इसके बारे में आज दूंगा। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों ये है हमारा आज का प्रोडक्ट जिसकी हमें करनी है अनबॉक्सिंग। फोटोग्राफर यूट्यूबर के लिए बहुत ही काम का प्रोडक्ट है ये और आपको बहुत पसंद आएगा। ये मैंने लिया है अमेजन से, लेकिन अमेजन की पैकिंग मैंने इसकी खोल दी थी इसलिए इस वाली पॉकेट में से मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये फर जार्डन कंपनी का है और ये है एक कैमरा बैग जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे लगा था। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको देखने में फ्रंट से इस तरह का लगता है ये, और इसमें यहाँ पर एक पॉकेट दी हुई है और इसमें अंदर ऑर्गेनाइज़र दिया हुआ है। तो इसकी जो अंदर की फैब्रिक है और पैडिंग है इसकी क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है, और चैन भी सी काफ़ी यहाँ पे ब्रांडिंग की हुई है फर जार्डन की। तो दोस्तों ये तो हो गई इनकी बाहर की पॉकेट। ये देखने में काफ़ी छोटा सा बैग है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा मुझे ये इसलिए पसंद आया क्योंकि इसमें अंदर लैपटॉप की पॉकेट भी है, तो इसमें मेरा 14 इंच का लैपटॉप ईजिली मैं रख सकता हूँ। और ये अंदर से बैग दोस्तों खुल के आता है, तो ये यहाँ पर दी हुई है इसमें लैपटॉप पॉकेट। यहाँ मेरा लैपटॉप 14 इंच का, मैं आपको इसमें डाल के दिखा देता हूँ। ये मेरा 14 इंच का लैपटॉप है HP का, मैं इसको इसमें रख देता हूँ। ये देखिए इजीली इसमें आ गया और ये इसकी कवरिंग के अंदर ही है, तो इजीली इसकी चैन लग जाएगी और ये इसमें लैपटॉप मेरा आ जाएगा। और जो ये वाली पॉकेट है इसमें हम टैबलेट या कुछ और सामान रख सकते हैं। और अंदर ये इसकी पैडिंग अभी डिसमेंटल करके दी है इन्होंने, लेकिन मैं इसको अभी एडजस्ट कर लेता हूँ पैडिंग को, फिर मैं आपको वापस दिखाता हूँ किस तरह का स्ट्रक्चर बन गया है पैडिंग को लगाने के बाद में। और ये पैडिंग काफ़ी एडजस्टेबल है, तो हम इसको अपने कैमरा के, अपने लेंस के, अपनी और एसेसरी की साइज़ के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं बैग में कि किस तरह से इसको हमें लगाना है, किस तरह से यूज़ करना है। तो मैं इसको अभी मेरे अकॉर्डिंग लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों देखो मैंने इसको अभी एडजस्ट कर लिया अपने कैमरे के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं यहाँ अपना कैमरा रख सकता हूँ, यहाँ पर उसका लेंस आ जाएगा इस वाले पार्ट में 18-55 वाला। इस वाली पॉकेट में मैं रखूँगा उसके अंदर मेरा 55-250 वाला लेंस, यहाँ उसका चार्जर, यहाँ मैं माइक्रोफोन, अपनी हार्ड ड्राइव वगैरह रख सकता हूँ। इसमें थोड़ी बहुत जगह बचेगी यहाँ पे, तो मैं उसमें या फिर इसको सीधा करके यहाँ पे अपना लैपटॉप का चार्जर भी मैं इसमें कैरी कर सकता हूँ। और उसके बाद भी एक छोटी पैडिंग इसमें बच गई है। अब इसको मैंने कैसे लगाया वो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें दोनों तरफ वेलक्रो दी हुई है, इनमें सभी जगह वेलक्रो दिया, आपको जैसे लगाना, जैसे मैं इसको कहीं भी एक जगह लगा के दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं इसको अभी यहाँ लगाता हूँ तो इसको लगाना एकदम ईजी है, बस ये इसमें लग गया और ये एक पॉकेट तैयार हो गई। अब ये देख लीजिए ये इसकी पूरी पैडिंग है, इसकी काफ़ी बढ़िया स्टडी मुझे लगा। इसका जो ये फैब्रिक है ये भी काफ़ी अच्छा है और वाटर रेजिस्टेंट है ये। अब मैं दिखाता हूँ इसके बाहर क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है इसमें। देखिए यहाँ पे दी हुई है एक वाटर बॉटल के लिए पॉकेट, और यहाँ पे ये लूप दिए हुए हैं, और ये लूप दिया है इसके लिए जिसमें हम लगा सकते हैं अपना ट्राईपॉड, अगर हम चाहें तो यहाँ पर अपना ट्राईपॉड डाल के और उसकी नेक को इससे यहाँ टाई कर सकते हैं। ये भी एडजस्टेबल है, हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो ये हमारे काम का है। एक ये यहाँ लूप दिया हुआ, कुछ अगर आइटम इसमें लटकाना है हमें लाइटिंग वगैरह, तो ये यहाँ पे हैंडल है, और इस तरफ भी सेम इसी तरह का लूप इसमें दिया हुआ। पीछे जो पैडिंग है वो काफ़ी अच्छी है, मैश की दी हुई है, जो आपको बैक में पसीना नहीं आने देगी। और इसकी ये वाली पैडिंग है ये भी काफ़ी अच्छी दी हुई है, यहाँ पर ये लूप दिए हुए हैं वापस से दोनों तरफ, और ये काफ़ी एडजस्टेबल है। और इसमें जो सबसे बड़ी कमी मुझे एक लगी है कि ये फुल्ली वाटरप्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट है, थोड़ा सा वाटर रिपेलेंट टाइप का इसका मटेरियल है और ये फैब्रिक है। और इसके अंदर साथ में अगर कंपनी इसके साथ में रेन कवर भी दे देती तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाता कि रेन कवर में इसको कवर करके हम बरसात में भी कैमरा इसमें कैरी कर सकते, लेकिन रेन कवर मुझे अभी इसका अलग से लेना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए काफ़ी सारी ब्रांड के बैग हैं, 2000 से कम कोई भी कैमरा बैग नहीं आता है कंपनी का, लोकल जो आते हैं उनकी क्वालिटी एकदम बेकार है, लेकिन फर जार्डन जो ये ब्रांड है ये काफ़ी जानी पहचानी ब्रांड है बैकपैक्स के मामले में। इनके काफ़ी सारे टेक बैग पैक आते हैं और उसी की कंपनी का है, वारंटी के साथ आता है 1 ईयर की, स्टिचिंग वगैरह की, तो ये काफ़ी मुझे बढ़िया लगा।
अब स्क्रीन पे चलते हैं। और अभी मैं इसमें आपको कैमरा रख के दिखा देता, लेकिन कैमरे से तो रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं नहीं रख सकता इसमें, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। और ये मुझे काफ़ी पसंद आया, इसे मैंने लिया है 1000 रुपये में amazon.in से, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। तो वो मेरे लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल होगा, मेरे चैनल के लिए सपोर्टिव होगा। और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। अब चलते हैं स्क्रीन पर, आगे की बातें करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों अभी अनबॉक्सिंग में आपने कैमरा बैग देखा है, इसमें मैंने लैपटॉप रख के आपको दिखाया, उसके अलावा इसके अंदर एक टैबलेट रखने की भी जगह है, और कैमरे के लिए तो कितनी सारी जगह है वो मैंने आपको दिखा दिया। इसे आप अपना कैमरे के साथ में 3-4 लेंस, आपके हार्ड ड्राइव्स, कार्ड्स, चार्जर वगैरह सारा कैरी कर सकते हैं। और बाहर 2 पॉकेट दिए हैं दोनों तरफ में विथ लूप, जिसमें आप अपना ट्राईपॉड दोनों तरफ, एक एक ट्राईपॉड या फिर एक तरफ ट्राईपॉड एक तरफ पानी का बॉटल कैरी कर सकते हैं। क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। एक ही कमी लगी कि इसके साथ में रेन कवर नहीं है, तो वो मुझे अलग से लेना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 200 रुपये के आसपास रेन कवर आ जाएगा, वो मैं ले लूँगा जिससे मेरा कैमरा सेफ रहे। तो दोस्तों ये मैंने लिया था अमेजन से 1000 रुपये मात्र का। इसको ख़रीदने के लिए मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। क्वालिटी बहुत बढ़िया है और इतने कम पैसे में इतना बढ़िया कैमरा बैग मार्केट में कोई भी अवेलेबल नहीं है। ये सबसे कम रेट में सबसे बढ़िया है, इससे सस्ते मिलेंगे वो लोकल मिलेंगे, उनकी क्वालिटी एकदम घटिया होगी। उसमें अंदर की जो फैब्रिक होगा एकदम रुए रुए निकलते हैं उसके अंदर, जो आपके कैमरे में भी जगह जगह चिपक जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, और कैमरे के मैकेनिज्म में भी वो एंटर हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर नायलॉन के अंदर कवरिंग है, बहुत ही अच्छी है, कैमरे को ख़राब नहीं करेगी। तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको कैमरा बैग पसंद आया तो ज़रूर वहाँ से खरीद सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल पर। मैं हर हफ्ते इसी प्रकार से नए नए प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग लेके आता रहता हूँ। वीक के 3 वीडियो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को मैं आता हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।